राम राम जी, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आशा रेसिपी टिप्स लेकर आई हूँ आज, सहजन की फली की रेसिपी। हाँ, सहजन की फली तो सीजन में ही बहुत आती है, लेकिन अभी भी आ रही है। जो अभी यहाँ सहजन की फलियाँ आ रही हैं, वो भी देसी नहीं है, वो इंदौरी फली जो होती है वो आ रही है। वो भी बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी भी लगती है खाने में। और मेरे को तो सहजन की फली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कल मैं मार्केट गई हुई थी तो मेरे को देख मिल गई थी, तो मैं ले आई थी 1 पाव सहजन की फली। वही तैयारी कर ली है मैंने, अब बस बनाने जा रही हूँ। मैंने सोचा चलो आपको भी ये रेसिपी दिखाऊं। तो पूरी तो मैं कटिंग वटिंग की नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। फिर मेरे दिमाग में आया क्योंकि सहजन की रेसिपी भी डालती हूँ, तो इसके लिए मैंने 2-3 परी तेल ले लिया है, कढ़ाई में डाल दिया है। अब तेल गर्म होगा उस और खड़े गर्म मसाले डालूंगी। कुछ जीरा है, तेज पत्ता है, 2 दालचीनी है, 1 पत्तर फूल है, और ये मैंने प्याज मसाला पीसा हुआ था। प्याज में प्याज है 2 बड़ी, और 4 से 5 लहसुन की कलियां हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इनको मैंने पीस लिया था, और 2 लौंग डाली थी पीसने में, और 4-5 काली मिर्ची, उनको सबको पीस के पीस लिया था। और तेल जैसे ही गर्म हो गया था, उसमें मैंने प्याज का मसाला भून लिया है, जो प्याज का पेस्ट बनाया था। अब इसके बाद में बेसिक मसाले डालना है, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डाला है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। और मैंने 1 पाव सहजन की फली ली थी, यानी कि 250 ग्राम। और आपके यहाँ सहजन की फली की रेट क्या चल रही है ये बताना। मेरे यहाँ हमारे MP ग्वालियर में 40 रुपये की पाव भर फली चल रही हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इसीलिए मैं ले आई थी, मेरे को दिख गई थी मार्केट में, तो मैंने सोचा चलो सब ले ही लेती हूँ। तो सब बहुत ही अच्छी लगी थी मेरे को, इसलिए मैं ले आई। और मैंने फिर बनाना स्टार्ट कर दिया। मसाला अच्छे से भुन चुका है, और मैंने सहजन की फलियों को अच्छे छील के धो के साफ करके रख लिया था। अब इनको मैंने इसमें डाल दिया है मसाले में। अब तो 5 से 10 मिनट इसमें मसाले में हमको भूनना है अच्छे से, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी अपने अकॉर्डिंग रखना है, अगर ज़्यादा आप गाढ़ी बनाना चाहो या थोड़ी तरीदार बनाना चाहो, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और सहजन की फली भी थोड़ा गलने में टाइम लेंगी, 5 से 10 मिनट, तो उसी हिसाब से आपको पानी डालना है। अब जैसा आप देख सकते हैं मैंने पानी भी डाल दिया है, और थोड़ा बॉयल आने तक इसको पकाऊंगी। फिर ये बॉयल आने के बाद थोड़ी इसकी गैस की फ्लेम को कम कर दूंगी, क्योंकि फिर इसका तेल जो होता है ना, ज़्यादा तेज़ आंच पे सब्जी बनाओ तो वो तेल उड़ जाता है, और फिर धुली धुली सी सब्जी लगती है, उसका कलर नहीं आता है सब्जी में। आप देख सकते हैं मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको आधी ढक के रखूँगी और आधी खोल के, पूरा इसको पूरा नहीं ढकना है। तो उसी पे मैंने करछली लगा दी है और आधा ढक्कन से ढक दिया है। अब इसमें एक खदक आने लगी है, और थोड़ी थोड़ी फली भी हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें, बहुत से लोग बेसन डालते हैं भूंज के, और भुने हुए चने डालते हैं, तो मुझे तो ज़्यादातर भुने हुए चने ज़्यादा पसंद हैं। हमारे यहाँ सब भुने हुए चने में ही पसंद करते हैं, बेसन तो बहुत कम डालते हैं। जब भुने चने अपने घर पे नहीं है उस किसी टाइम तो डालते हैं। तो मैंने इसमें 2-3 चम्मच भुने हुए चने पीस के उसका पाउडर बना के उसमें पानी डाल लिया था, उसको गीला करके फिर इसमें डालेंगे। अभी थोड़ा देख, भुने हुए चने का पाउडर है, इसमें से आधा पाउडर डाला है मैंने, वो भी पूरा नहीं डाला, नहीं तो रसा हमारा जो है वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा, थिक ग्रेवरी हो जाएगी एकदम। थोड़ी हमको लटपटी सी रखना है, और फली हमारी गल चुकी थी। अब जी मैंने पूरा ऐसे डाल दिया है नीचे, अगर इसमें थोड़ा गाढ़ा था अच्छा था पेस्ट तो मैंने हटा दिया पतला पतला। अब इसको थोड़ा 5 मिनट और पकाएंगे, फिर इसमें हम कस्तूरी मेथी, धनिया और गरम मसाला डाल सकते हैं। और बस 5 मिनट बाद हमारी सब्जी बन के तैयार है। आपको यह वीडियो पसंद आई हो, रेसिपी पसंद आई हो, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, ज़रा लाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट भी कर किया कीजिए कि तो मुझे पता पड़ता है कि हाँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। देख सकते हो बनने के बाद बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्जी। इसको आप पूरी रोटी चावल के साथ किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो, और बहुत ही टेस्टी लगती है, और खाने में भी बहुत